हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम पिछले वीडियो में हमने बंगाल शैली के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा अलग हटके पढ़ते हैं। मुख्यतः भारत की वो चित्रकार जिन्होंने बहुत कम समय में जो भी चित्र बनाए वो कला जगत की अनमोल धरोहर के रूप में रह गए थे। अब मुख्यतया अमृता शेरगिल, आज हम अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ेंगे। अमृता शेरगिल एक ऐसी कलाकार थी जिन्होंने केवल और केवल तेल रंग माध्यम में चित्रणकारी किया था और इनका जीवन काल बहुत छोटा रहा। 30 जनवरी 1913 को तो इनका जन्म हुआ, 1913 को इनका जन्म हुआ और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब इनका जीवन काल मात्र 28 वर्ष रहा था। इस 28 वर्ष की अल्पावधि में भी उनके कलाकर्म का समय, हम इनके कलाकर्म का समय मात्र 7 वर्ष माना गया है कि इनके कलाकर्म का समय मात्र 7 वर्ष माना गया है। लेकिन इस अल्पावधि में इन्होंने जो भी चित्र बनाए वो कला जगत की अनमोल धरोहर के रूप में आज भी सुरक्षित है। अमृता सदैव तेल रंगों का प्रयोग करती थी, तेल रंगों का प्रयोग करती थी और इन्होंने तेल रंगों की छाया प्रकाश पद्धति से ही ये आकृतियों को उभारती थी। इनका मानना भी था कि रंगों को मैं पूजती हूं, रंगों को मैं पूजती हूं। और इसके अतिरिक्त अब हम इनके बारे में डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे बंगाल शैली वाला चैप्टर है ये वाला, तो इस चैप्टर में मुख्य बात यह है कि एक 3 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, तो हम पढ़ रहे हैं आज अमृता शेरगिल। सबसे पहले जन्म एवं शिक्षा, जन्म एवं शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। हंगरी एक यूरोप का देश है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इन्हें चित्रकला में रुचि थी, अतः मात्र 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में ये अपनी माता के साथ इटली चली गई, अपनी माता के साथ इटली चली गई और जहां पर इन्होंने फ्लोरेंस की चित्रशालाओं में चित्रण का अभ्यास किया। यहां पर यथार्थवादी शैली में चित्रण का अभ्यास करके अमृता शेरगिल भारत आई और पुनः पेरिस चली गई और पेरिस में इन्होंने पियर वेया एवं लूसिया साइको की चित्रशालाओं में इन्होंने अभ्यास किया। मुख्य जन्म एवं शिक्षा के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ। एक बात और कि अमृता के
अमृता लाहौर के एक सिख धनी, लाहौर के एक सिख धनी उमराव सिंह की पुत्री थी। मतलब जो इनके पिता थे, इनके पिता लाहौर के एक सिख धनी व्यक्ति थे और इनकी माता हंगेरियन थी, मतलब हंगरी देश की नागरिक थी। तो और बचपन से इन्हें चित्रकला के प्रति विशेष रुचि थी, अतः मात्र ये 11 वर्ष की आयु में अपनी माता के साथ इटली चली गई, जहां पर इन्होंने फ्लोरेंस की चित्रशालाओं में चित्रण का अभ्यास किया। यहां पर यथार्थवादी शैली में चित्रण का अभ्यास करके अमृता भारत आई, किंतु पुनः पेरिस चली गई और पेरिस में इन्होंने पियर वेया एवं लूसिया साइको की चित्रशालाओं में चित्रण का अभ्यास किया। अब जो मुख्य बात आती है कि सर्वप्रथम 1932 ईस्वी में इन्होंने ग्रांद सलो, एक जगह का नाम है ग्रांद सलो में आयोजित, जब वे पेरिस में थी तो ग्रांद सलो में आयोजित प्रदर्शनी में इन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया, जहां पर इनके दो चित्र, एक तो धड़ नामक चित्र और दूसरा युवतियां, इन दोनों चित्रों को प्रदर्शित करके अमृता पेरिस में प्रसिद्ध हो गई थी। धड़ नामक जो चित्र था, इसमें एक नग्न युवती का पार्श्व छाया प्रकाश में अद्भुत रंग से अंकन किया गया है। तो 1932 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम ग्रंथसलो प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां पर इनके दो चित्र धड़ और युवतियां, धड़ नामक चित्र था जिसमें एक नग्न युवती का पार्श्व छाया प्रकाश, मतलब कि जो पीछे की तरफ जो परछाई पड़ रही है, तो उस परछाई का चित्रण किया था इन्होंने। तो एक नग्न युवती का पार्श्व छाया प्रकाश में अद्भुत ढंग से चित्रण किया गया था और युवतियां नामक चित्र प्रदर्शित करके अमृता फ्रांस में प्रसिद्ध हो गई थी। इसके पश्चात ये मैं आपको बता दूं कि अमृता के चित्र मॉडल पद्धति या एकेडमिक पद्धति के थे, मॉडल पद्धति या एकेडमिक पद्धति के थे, मतलब सामने किसी मॉडल को बैठाकर फिर चित्रण कार्य करना, ये मॉडल पद्धति या एकेडमिक पद्धति कहलाती है। तो इनके चित्र मॉडल पद्धति या एकेडमिक पद्धति पर आधारित थे। इसी प्रकार हम जब 1932 में, तो इन्होंने ग्रांद सलो में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां पर इनके दो चित्र धड़ और युवतियां नामक चित्र प्रदर्शित हुए, और इन दोनों चित्रों को प्रदर्शित करके अमृता फ्रांस में प्रसिद्ध हो गई थी। इनके चित्र मॉडल पद्धति या एकेडमिक पद्धति के थे। अब 1934 में अमृता शेरगिल भारत आ गई, 1934 में अमृता शेरगिल भारत आ गई और भारत में आकर इन्होंने अपने माता पिता के निवास स्थान शिमला में अपनी चित्रशाला स्थापित की। मतलब अपनी 1934 में जब ये भारत आ गई, तो इन्होंने अपने माता पिता के निवास स्थान शिमला में अपनी चित्रशाला स्थापित की। 1934 में ही इनका एक चित्र नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी में प्रदर्शित किया गया और उस चित्र का नाम था भारतीय युवतियां।
इस चित्र को नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अमृता शेरगिल ने इसके पश्चात जैसे भारतीय जीवन का अध्ययन, एक नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं अपन, भारतीय जीवन का अध्ययन। अमृता शेरगिल ने भारत आने के पश्चात संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था और वे भारत के दीन दुखियों को देखकर बड़ी व्यथित हुई। उनका एक कोटेशन भी है कि भारत अब भी गरीब देश है, भारत में यदि गरीब नहीं होते तो मेरे लिए पेंट करने के लिए कुछ भी नहीं होता। कोटेशन है कि भारत अब भी गरीब देश है, भारत में यदि गरीब नहीं होते तो मेरे लिए पेंट करने के लिए कुछ भी नहीं होता। और अमृता ने निश्चय कर लिया कि वह गरीबों की, दीन दुखियों की गरीबी को लेकर अपने चित्रों में उतारेगी या चित्रों के माध्यम से इस गरीबी को अभिव्यक्त करेगी। मेन हमने क्या पढ़ा यहां तक सिंपली कि 30 जनवरी 1913 हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जन्म। इसके पश्चात अमृता के पिता लाहौर के एक सिख धनी उमराव सिंह की पुत्री थी, माता हंगेरियन थी। बचपन से इन्हें कला में रुचि थी, अतः 11 वर्ष की आयु में ये अपनी माता के साथ इटली चली गई जहां पर इन्होंने फ्लोरेंस की चित्रशालाओं में अभ्यास किया। यहां पर यथार्थवादी पद्धति में, यथार्थ जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यथार्थवादी शैली यानी जो आप आंखों से यथार्थ देखते हो वो क्या होता है, यथार्थ होता है। जो आप आंखों से देखते हो वो यथार्थ है। तो यहां पर फ्लोरेंस में इन्होंने यथार्थवादी शैली में चित्रण का अभ्यास करके अमृता शेरगिल भारत आ गई, लेकिन पुनः पेरिस चली गई और पेरिस में इन्होंने पियर वेया एवं लूसिया साइको की चित्रशालाओं में चित्रों का अभ्यास किया या चित्रण का अभ्यास किया। फिर सर्वप्रथम 1932 ईस्वी में ग्रांड सलो में आयोजित प्रदर्शनी में इन्होंने भाग लिया जहां पर इनके दो चित्र धड़ और युवतियां, धड़ नामक एक चित्र था जिसमें एक नग्न युवती का पार्श्व छाया प्रकाश में अद्भुत ढंग से अंकन किया गया था। तो धड़ और युवतियां नामक चित्र प्रदर्शित करके अमृता फ्रांस में प्रसिद्ध हो गई। अमृता के चित्र मॉडल पद्धति या एकेडमिक पद्धति के थे। 1934 में ये अमृता शेरगिल भारत आ गई और भारत आकर इन्होंने अपने माता पिता के निवास स्थान शिमला में अपनी चित्रशाला स्थापित की और 1934 में ही इनका एक चित्र भारतीय युवतियां नामक एक चित्र नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी में प्रदर्शित हुआ जहां पर इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। फिर भारतीय जीवन का अध्ययन, जैसे मैंने आपको बताया कि अमृता शेरगिल ने भारत में आने के बाद संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था और वह गरीबों की या दीन दुखियों की दयनीय दशा देखकर बड़ी व्यथित हुई। उन्होंने, उनका एक कोटेशन है इस मामले में कि भारत अब भी गरीब देश है, भारत में यदि गरीब नहीं होते तो मेरे लिए पेंट करने के लिए कुछ भी नहीं होता। अमृता ने निश्चय कर लिया कि वह भारत की गरीबी को अपने चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करेगी। अब हम इसी के जस्ट आगे पढ़ते हैं अमृता की कला के बारे में। अमृता शेरगिल की कला, मैंने जैसे आपको बताया था कि अमृता शेरगिल मॉडल पद्धति या एकेडमिक पद्धति में कार्य करती थी। तो अमृता शेरगिल की कला के बारे में जैसे मैं आपको बताऊं, अमृता शेरगिल
अमृता की कला में पूर्व व पाश्चात्य का समन्वय था। पूर्व की कला यानी भारत की कला, पाश्चात्य उन्होंने स्वाभाविक है कि यूरोप, यूरोपीय देशों को जहां पर उन्होंने अध्ययन कार्य किया था वो पाश्चात्य देश कहलाते हैं। तो अमृता की कला में पूर्व व पाश्चात्य का समन्वय था। उन्होंने यूरोप की आधुनिक आकृति मूलक विषयों को अपने चित्रों में उतारा। मतलब उन्होंने यूरोप की आधुनिक आकृति मूलक पद्धति को भारतीय विषयों में समायोजित किया था। यूरोप की आधुनिक आकृति मूलक पद्धति को भारतीय विषयों में समायोजित किया था। अब उनकी कला का पर, जैसे मैंने आपको बताया, पूर्व पाश्चात्य का समन्वय था, तो अमृता शेरगिल की कला में पूर्व और पाश्चात्य इन दोनों का समन्वय स्थापित था। जैसे मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपने चित्रों में गोगा, उनके चित्रों में गोगा के समान आदिम सरलता, सेजान के समान आकारों का गठन, भारतीय चित्रों का वर्ण सौंदर्य और ब्रूगेल द एल्डर के समान सपाट छाया वाले स्थानों का चित्रण किया। मतलब उनकी कला में गोगा, मैं आपको बता दूं कि गोगा, सेजान, वानगो ये यूरोपीय कलाकार थे और जिन्होंने अपनी कला से पूरे विश्व की कला को प्रभावित किया था, पूरी विश्व की चित्रकला को इन्होंने प्रभावित किया था। वानगो, सेजान, गोगा तो ये क्या थे, यूरोपीय कलाकार थे। तो उनकी कला में गोगा के समान आदिम सरलता, सेजान के समान आकार व गठन, भारतीय चित्रों का वर्ण सौंदर्य मतलब रंगों का सौंदर्य, रंग वर्ण एक ही बात है, ब्रूगेल द एल्डर के समान सपाट छाया वाले स्थानों का चित्रण है। अमृता की कला में पूर्व व पाश्चात्य दोनों का समन्वय था और उन्होंने यूरोप की आधुनिक आकृति मूलक पद्धति को अपने चित्रों में या भारतीय विषयों में समायोजित किया था। और उनकी कला में गोगा के समान आदिम सरलता, सेजान के समान आकार व गठन, भारतीय चित्रों का वर्ण सौंदर्य, ब्रूगेल द एल्डर के समान सपाट छाया वाले स्थानों का चित्रण उनकी कला में दिखाई देता है। इसी प्रकार 1936-37 में अमृता ने संपूर्ण भारत का पर्यटन देखा और उन्होंने सबसे पहले अजंता की विशाल व भव्य भित्ति चित्रों को देखा। वे उनसे काफी प्रभावित हुई और उन्होंने इसी तरह कहा भी था अपनी शिक्षा के बारे में कि अमृता शेरगिल ने कहा था कि मुझे प्रसन्नता है कि मैंने कला की शिक्षा विदेशों से प्राप्त की, क्योंकि इसी से मैं भारतीय चित्रों के महत्व को समझ पाई। कोटेशन क्या है कि मुझे प्रसन्नता है कि मैंने कला की शिक्षा विदेशों से प्राप्त की, क्योंकि इसी से मैं भारतीय चित्रों के महत्व को समझ पाई। अब हम जस्ट आगे पढ़ेंगे कि अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र, अमृता शेरगिल के चित्र
जैसे अमृता के चित्र, चित्र जैसे अमृता शेरगिल यूरोप की आधुनिक आकृति मूलक पद्धतियों में कार्य करते थे, तो अमृता शेरगिल के जो चित्र थे, अमृता के दो चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि शिमला में रहते हुए अमृता शेरगिल ने अनेक महत्वपूर्ण चित्रों का निर्माण किया था, जिनमें हिलमैन व हिल वूमेन, हिल वूमेन ये दो चित्र इनके काफी प्रसिद्ध रहे हैं। और ये दोनों चित्र भूख की त्रासदी को अभिव्यक्त करने वाले चित्र रहे। अमृता शेरगिल भारत के उत्तरी व दक्षिणी दोनों तरफ के ग्राम्य जीवन से, ग्राम्य जीवन से काफी प्रभावित थे, और उन्होंने ग्रामीण अंचल के जो भी चित्र बनाए वे साक्षात मॉडल बैठाकर बनाए, साक्षात मॉडल बैठाकर, मॉडल बैठाकर बनाए, जिससे उनमें एक यथार्थ चेतना बनी रहे। अमृता शेरगिल क्या थी, उत्तरी और दक्षिण दोनों तरफ के ग्रामीण जीवन से काफी प्रभावित थी, और अमृता ने ग्रामीण अंचल या ग्रामीण भारत से संबंधित उन्होंने जो भी चित्र बनाए वो साक्षात मॉडल बैठाकर बनाए, जिससे उनमें एक यथार्थ चेतना बनी रहे। इसके अतिरिक्त अमृता शेरगिल के अनेक प्रसिद्ध चित्र रहे, जैसे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, अछूत बालिका, बालिका वधु, बालिका वधु, वधु का श्रृंगार, मदर इंडिया, ये भी एक इनका प्रसिद्ध चित्र था, मदर इंडिया। इसी तरह ग्रामीण नारियां, आदि इनके प्रसिद्ध चित्र रहे। ब्रह्मचारी, अछूत बालिका, बालिका वधु, वधु का श्रृंगार, मदर इंडिया, ग्रामीण नारियां। और इसके अतिरिक्त इन्होंने जो भी दक्षिण भारतीय आदि से संबंधित जो भी चित्र बनाए हैं वो सभी इसमें इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसी तरह ये इनके कुछ चित्रों के नाम हैं, जैसे हिलमैन, हिल वूमेन, ब्रह्मचारी, अछूत बालिका, बालिका वधु, वधु का श्रृंगार, मदर इंडिया, ग्रामीण नारियां, या दक्षिण भारतीय सामान की टोकरी ले जाते हुए आदि इनके प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। अब मुख्यतया इनके कलासार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि उनकी कला में गोगा के समान आदिम सरलता, सेजान के समान आकार व गठन, भारतीय चित्रों का वर्ण सौंदर्य और ब्रुगेल द एल्डर के समान सपाट छाया वाले स्थानों का चित्रण है। और इनकी कला क्या थी, पूर्व पाश्चात्य का समन्वय था इनकी कला में, पूर्व यानी भारत और पाश्चात्य यानी यूरोप। अब मुख्यतः हम पढ़ेंगे कला विवेचना, कला विवेचना के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे मैं आपको बताऊं कि अमृता शेरगिल सदैव तेल रंगों की छाया प्रकाश पद्धति में कार्य करती थी, और इसी से वे आकृतियां उभारती थी। मतलब उन्होंने केवल और केवल रंग माध्यम का प्रयोग किया, वो केवल और केवल ऑयल पेंट या तेल रंगों का प्रयोग किया। तो अमृता शेरगिल तेल रंगों की छाया प्रकाश पद्धति में कार्य करती थी और इसी से आकृतियां उभारती थी। इनका इस मामले में एक कोटेशन है कि मैं रंगों को पूजती हूं, इनका एक कोटेशन था। और जैसे मैंने आपको बताया कि
शुरुआत में कि अमृता शेरगिल के कला कर्म, अमृता शेरगिल के कला कर्म का समय मात्र 7 वर्ष माना गया है। अमृता शेरगिल के कलाकर्म का समय मात्र 7 वर्ष माना गया और इस अल्पावधि में इन्होंने जो भी कलाकार्य किया वो कला जगत की अनमोल धरोहर के रूप में आज भी सुरक्षित है। और इन्होंने 1941 ईस्वी में अमृता शेरगिल का देहांत हो गया था, यानी 30 जनवरी 1913 को इनका जन्म और 1941 में मात्र 28 वर्ष की आयु में अमृता शेरगिल का देहांत हो गया था। इन्होंने जो भी इस अल्पावधि में जो भी चित्रणकार्य किया वह कला जगत की अनमोल धरोहर के रूप में आज भी सुरक्षित है। ये हमने अमृता शेरगिल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा और इस लेसन में से ये विशेष रूप से ध्यान रखिए कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है इसमें से, इसलिए ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।